Hey everyone, this is Suman Suryavanshi and you are watching our channel Ocean Gurukuls. Today's session is not about your vocabulary section, your grammar section or your comprehension section. Today's session is about your personality development. In short, I can say that this is about your स्पोकन इंग्लिश. बहुत डर लगता है आप लोगों को, इंग्लिश नहीं बोली जाती भाई, घबराहट, पसीने छूटने लग जाते हैं, कोई दो चार वर्ड इंग्लिश के बोल दे तो सामने. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस हियर, इज इट इम्पोर्टेंट टू स्पीक इन इंग्लिश, जरूरी है कि हम इंग्लिश में बोलें, येस और नो. आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मेरा आंसर सुन लीजिए. मुझे नहीं लगता कि जरूरी है, बट इट इज नेसेसरी टू ओवरकम द लैक ऑफ समथिंग डेट मेक्स यू फील वीक. वो हर चीज लाइफ में जरूरी है बच्चे, जो आपको कमजोर फील कराती है. इंग्लिश बोलना जरूरी नहीं है, मत बोलिए भाई, इट्स योर चॉइस. मेरी भी तो चॉइस है कि मैं हिंदी में बोलूं इंग्लिश में, आज तक देखा आपने नहीं बोल रही हूं, तो इट्स माई चॉइस. बट ना आना तो प्रॉब्लम है, वो तो आपको कहीं ना कहीं आपको वीक फील कराता है भाई. किसी एयरपोर्ट पे जाते हो तब लगता है अरे भाई पीछे को कदम खींच लूँ, ये पता नहीं क्या क्या इंग्लिश में बोले जा रहे हैं. कभी आपको लगता है फाइव स्टार होटल में चले गए, अरे यहाँ तो ऑर्डर ही नहीं देना आ रहा, ऑर्डर देते हुए वेटर से ही हिचकिचा रहे हैं, वेटर आपसे इंग्लिश में पूछ रहा है और आप भाई कोई सामने वाला ही ऑर्डर कर दे, ऐसा होता है आपके साथ? फोन पे कस्टमर केयर को ऑप्शन दे रहा है कि हिंदी चूज करने के लिए एक दबाए, दो दबाए इंग्लिश चूज करने के लिए. आपको इंग्लिश आती है भाई, ग्रेजुएट हो, ट्वेल्थ पास हो, एटलीस्ट इतना तो है, फिर भी आपको आते हैं वो शब्द, बस आप जोड़ने का कॉन्फिडेंस नहीं रखते. फिर भी आप फटाक से कस्टमर केयर को बोलने से पहले ही दो नंबर पे, तो बाद में आती है पहले एक नंबर दबा देते हो. तो ये क्या है, ये चीजें आपको कमजोर फील कराती हैं. इन कमजोरियों से उभरने के लिए इंग्लिश बोलना जरूरी है, मत बोलिए आना जरूरी है. अगर जरूरत पड़ जाए वहां पर आपको ऐसा फील ना हो कि यार मेरा कॉन्फिडेंस खराब हो रहा है, आपका पर्सनालिटी खराब हो रहा है, बोलिए ना वहां पर इंग्लिश. और सबसे बड़ी बात है, सीखनी तो है ही नहीं, आपको ऑलरेडी आती है, आप अपने अंदर बस कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पा रहे. मैं इस सेशन को इसीलिए लेके आई हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे से क्वेश्चन रहता है कि मैम कैसे स्टार्ट करें. इस प्रॉब्लम के दो ही सॉल्यूशन है. पहला, जो लाइफ में हर प्रॉब्लम के लिए जरूरी है, पेशेंस. एक्चुअली पेशेंस है क्या? अगर पेशेंस चला गया तो फिर तो कभी कुछ नहीं आना लाइफ में, इंग्लिश तो फिर बड़ी बात हो गई, कुछ भी नहीं आना. टू लूज द पेशेंस, टू लूज द बैटल. और है क्या, व्हाट इज पेशेंस बेसिकली? भाई पेशेंस वो नहीं है कि अरे बैठे रहो आएगी इंग्लिश आएगी, बैठे रहो कि इंग्लिश आएगी. पेशेंस है क्या? पेशेंस इज द एबिलिटी टू काउंट डाउन बिफोर यू ब्लास्ट ऑफ. और एक दूसरा भी तरीका है मेरे पास, उस दूसरे तरीके का नाम है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का मंत्र है वो, कि जब प्रॉब्लम सामने हो तो उसे फेस करो, स्टार्ट करो. स्टार्ट करना ही, फेस करना ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा. अगर भागोगे तो कभी जिंदगी में कुछ नहीं मिल सकता बेटा. लेट्स फेस इट, दिस इज द पॉइंट हियर. तो आपको यही समझना है कि जब इंग्लिश बोलनी है तो बोलनी है, अभी से शुरू करूंगा. लेट्स स्टार्ट इट, लेट्स फेस इट, यही सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन कुछ नहीं. एक दिन में नहीं आएगी. मैं ये नहीं कहती कि आज ही परफेक्ट हो जाओगे, आज की क्लास लूंगी और बस बात खत्म हो जाएगी. बात खत्म नहीं होती, ऐसे बात नहीं खत्म हो पाएगी. आपको उसके साथ पेशेंस बना के चलना है, पेशेंस तो रखना पड़ेगा. अब आपको सोचना है यार इंग्लिश है क्या, यार जस्ट अ लैंग्वेज. और ये लैंग्वेज आपको आती नहीं, आपको अपनी अपनी लैंग्वेज तो आती है, कैसे सीखी होगी आपने, कैसे आई ये लैंग्वेज? मान लो आपको हिंदी आती है, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आपको हिंदी आती है, तो ये हिंदी आई कैसे? सोचा कभी? सोचते होंगे बच्चे थे शुरू में, तो एक साल डेढ़ साल तक तो बोलते भी नहीं है बच्चे. क्या करते हैं? सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं. उनके मम्मी, उनके पापा, दादा दादी, रिश्तेदार सब ये ले 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 राजू हाँ हंस रहा है, खाएगा, भूख लगी है. तो क्या है ये? पापा आ गए, ये क्या है? ये सीखा उसने कहाँ से? सीखा लिसनिंग से सीखा. जब बच्चा सिर्फ सुनता है, सुनता है, सुनता है, फिर वो एक दिन उसके मुंह से आवाज निकलती है. कोई हम अंग्रेज नहीं है, अंग्रेज वाले बच्चे ही बोलते हैं मॉम, आप माँ निकलता है आपके मुंह से. क्यों? क्योंकि आपने सुनने की आदत ही मम्मी पापा दादा दादी ये सब डाला है. तो सबसे पहली हैबिट है बच्चे, लिसनिंग की हैबिट डालिए. अब लिसनिंग में मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप
बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड मूवी देखिए, नहीं भाई ठीक है, नहीं समझ में आता होगा कुछ चीजें, पर इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेशन में आप बोले कि इंडियन इंग्लिश न्यूज चैनल है, आप देख सकते हैं। अगर आप लिसनिंग नहीं, उसके बाद बच्चा क्या शुरू करता है, रीडिंग शुरू करता है, तो आप पढ़ सकते हैं। और तीसरा भैया बोलो, फिर वो क्या करता है, उसे नहीं पता कि वो माँ सही बोल रहा है नहीं पता, पापा सही बोल रहा है नहीं पता, दादा सही बोल रहा है, दूध सही बोल रहा है, खाना सही बोल रहा है, बस वो बोलता है और बोलते चले जाता है। और फिर उसकी हालत आपके जैसी हो जाती है कि मुझे हिंदी अच्छे से आती है, तो आप पॉइंट समझ पाए होंगे कि भाई स्टार्ट करना है आपको, जहां पर भी हैं आप वहीं से स्टार्ट करना है। बट इंग्लिश सीखने के लिए कुछ चीजों की तो जरूरत पड़ेगी, कुछ बेसिक सी चीजें हैं बच्चे, वो आपको आनी चाहिए, ऑलरेडी आनी चाहिए और आपको आती भी है। क्या है वो बेसिक चीजें जो आपको पहले से पता है? जस्ट टेंस का नॉलेज होना आपको, आपको आता है टेंस। आपको क्या सेंटेंस को देखकर पता नहीं लगता कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है? बिल्कुल पता लगता है आपको। आपको क्या वर्ब की फॉर्म से पता नहीं लगता कि यह फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, कौन सी कहाँ पर यूज होती है? बस इतनी सी बात आपको आती है। और इतनी सी बात के बाद तीसरी आपके एक प्रॉब्लम आती है, वोकैबलरी। अब वो क्या, आपको ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आज ही अभी बस अभी खत्म कर देंगे। भाई अगर अभी खत्म कर देंगे तो मैं जो आपको दूसरा सेक्शन पढ़ाती हूँ वो 4 महीने में खत्म क्यों होता है? नहीं, वो कैब आप खत्म नहीं कर सकते और वो कैब को आप पूरी जान भी नहीं सकते एक ही दिन में। बट आप सोचें कि मैम फिर स्टार्ट करें कैसे करें, भाई इतनी वो कैब तो आपको पहले से आती है कि आप स्टार्ट कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे देती हूँ, आपके सामने एग्जाम्पल रहेगा, देखिएगा कुछ बेसिक से फ्रेजेस, बेसिक से आपके पास लाइंस आएंगी और आप देखिएगा क्या आपको उसका इंग्लिश नहीं आता, क्या आप उसका बेसिक वोकैबुलरी नहीं आता? आता है आपको। जैसे कि एग्जाम्पल कि मैं आपको पूछूं, एक एक और इम्पोर्टेंट रोल रोल प्ले करता है कि आप हमेशा जाते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। आप सोचते हैं कि क्या ट्रांसलेशन से काम चल जाएगा? नहीं, ट्रांसलेशन से काम चलता ही नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज को, आप हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके कैसे सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, अगर हिंदी टू इंग्लिश बनाना है ना तो अभी बनाइएगा। मैं आपसे पूछूं, मान लो कि आपके पास एक एग्जाम्पल है, आप एक नॉर्मल सी बात बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब आप टीचर भरी क्लास रहती थी और आप बाहर से आते थे तो आप कहते थे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ऐसा कुछ। मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आप ये जानते हैं कि इस ये जो लाइन आपके सामने है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसको इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या बोलेंगे। अब सबको पता है, सीखा नहीं है किसी ने, सबको पता है, पहले से पता है, और बचपन से बस एक ही लाइन है जो बहुत अच्छे से इंग्लिश में बोलनी आती है आपको, और सबने आंसर लिख भी दिए होंगे अभी कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलते थे। मैं करती हूँ इसका ट्रांसलेशन, मैं नहीं बोलती, मुझे नहीं आता ये सेंटेंस, तो मैं क्या करती हूँ इसका ट्रांसलेशन करती हूँ। ट्रांसलेशन करते हैं, चलिए, क्या माने व्हाट, क्या माने व्हाट? हाँ जी, बोलेंगे व्हाट, मैं माने आए, अंदर माने इन, आ माने कम, सकता माने कैन। तो आपने तो शायद कुछ और ही लिखा है, आपने तो कुछ और ही लिखा है, आप तो लिख रहे हैं मे आई कम इन, तो आप तो इसका इंग्लिश ये जानते हैं मे आई कम इन, तो आप जस्टिफाई करिए क्या ट्रांसलेशन से आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प हो गई? आप तो ट्रांसलेशन जानते हैं कि ट्रांसलेट कर लें। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं मैम ट्रांसलेट कैसे क्या करें, भाई ट्रांसलेट करने से इंग्लिश बोलनी आ ही नहीं सकती है ना। इंग्लिश का अपना स्ट्रक्चर है, इंग्लिश अपनी लैंग्वेज है, अलग लैंग्वेज है, हिंदी को आप उससे कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? और जैसे आप इस वर्ड को जानते हैं, इस सेंटेंस को जानते हैं, आप और भी सेंटेंसेस जानते होंगे। मैं छोटे छोटे डेली लाइफ के फ्रेजेस से स्टार्ट करूंगी, एक्चुअली आपको सबसे पहले वही सीखना होता है। आप अपनी जो लाइंस आप नॉर्मली हिंदी में बोलते हैं उनको इंग्लिश में बोलने का स्टार्ट कीजिएगा, और आप देखिएगा धीरे धीरे आप जब उन्हें डेली लाइफ में यूज करने लगेंगे तो अपने आप आने लग जाएगी। आप तो ये वर्ड बोलते ही नहीं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आप बोलते मे आई कम इन, बोलते हो, कैसे बोलते हो इस सेंटेंस को, ऐसे ही बोलते हैं मे आई कम इन। तो बचपन से आप बोलते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब बस बोलने की हैबिट डालिए, अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। बोलते हो ना,
मैं आएगा मैं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट मैं अपने अगले सेंटेंस पर जाती हूँ, अगला सेंटेंस आप बनाने की ट्राई करिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, क्या हम डांस कर ले? अभी तो आपने सीखा, एकदम कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप क्या बोलेंगे, क्या हम डांस कर लें? अभी तो लास्ट आपने सीखा है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। बनाइएगा इसका इंग्लिश में, आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे आप फिर से जो आप ये जो मॉडल्स हैं आपके मेक को जिनका यूज करते हैं जब आपसे कुछ, आप किसी से आज्ञा लेते हैं, परमिशन लेते हैं, तो यहाँ पर भी परमिशन का काम चल रहा है। आप इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे गाइस? आप लिखेंगे मे वी हैव डांस, बहुत सिंपल है। आपने मे का यूज किया, आपने लास्ट सेंटेंस के अंदर भी तो मे का यूज किया था कि आप परमिशन ले रहे हैं। अब इसी सीरीज में मैं आगे आपसे पूछूं कि आपसे पूछा जाए क्या मैं बैठ सकता हूँ, अगर आप पूछा जाए आपसे कि आपको अगर इंग्लिश में ये सेंटेंस कहना हो कि क्या मैं बैठ सकता हूँ तो कैसे कहेंगे? भाई सिंपल, इतनी देर से तो पूछ रहे हो, मे से आप परमिशन मांगते हैं तो मे से ही परमिशन मांगिएगा, बहुत ही सिंपल। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्या बोलेंगे, सबने लिख दिया होगा। भाई आराम से आप बोलिए मे आई सिट, क्या प्रॉब्लम है? भाई मे आई कम इन, मे आई सिट, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस फिर से आपसे मैं पूछूं, अगर आपसे कोई बोले क्या मैं अब कुछ बोल सकती हूँ? आप कई बार किसी ऑफिस में जाते हैं, आपका इंटरव्यू है, या फिर चार लोग बड़े बैठे हैं, आप छोटे हैं, वट एवर, आप थोड़ी देर चुप रहते हैं, उसके बाद आप परमिशन मांगते हैं कि भाई अब मैं कुछ बोल लूं? बोलते ही आप सारा दिन का सेंटेंस है, बट अगर आपको इंग्लिश में कहना हो यही सेंटेंस कि क्या मैं अब कुछ बोल सकती हूँ, बहुत हार्ड नहीं है बच्चे, आप ट्राई करें, हार्ड तो है ही नहीं, वहीं से स्टार्ट करिएगा सब एवरीवन। देखिए शुरू तो अभी से करना पड़ेगा, मैंने बोला था समस्या का सॉल्यूशन लिखा हुआ नहीं कहीं पर, ग्रंथ व्रंथ नहीं पढ़ना है उसके लिए, शुरू करना है, बस बोलना शुरू करना है सबको। अभी आप एक दूसरे का, कोई आपका फेस नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि ये रितिमा कौन है, अभिषेक कौन है, ये सूरज कौन है, ये लालिमा कौन है, कोई नहीं जानता। आप लिख दीजिए ना जो आपको आ रहा है, अगर आप ये लिख रहे हैं व्हाट आई नाउ बोल स्पीक कुछ ऐसा ऐसा लिख रहे हैं, नहीं, आप ट्राई करें कि पीछे हमने ऐसे सेंटेंसेस को कैसे यूज किया था, तो मैं बोलूंगी सेंटेंस को आप यूज करते हैं बच्चे किस प्रकार, मे आई से समथिंग, और नाउ के लिए क्या हो गया? आपको लग रहा होगा कि मैम ये अब वर्ड ऐड हो गया, तो क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, आपका इंग्लिश नहीं जानते क्या आप? नाउ सम फ्रेजेस आई वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश स्पीकिंग, कि आप यहाँ पर कुछ कुछ थोड़े थोड़े वर्ड जैसे अब ऐड हो गया है, तो आपका इंग्लिश हम जानते हैं कि आपको जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? नाउ वर्ड का यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी हमने यूज कर लिया। आपको एक छोटी सी बात और सीखने को मिली कि मे आई से समथिंग नाउ, जब आप कुछ के लिए कहते हैं तो कुछ को आप इंग्लिश में कहते हैं समथिंग, तो शायद बोलना आपको आ गया होगा, और मुझे बता दीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार मे आई कम इन मुझे पहले से आता था, तो इन सेंटेंस में कोई जादू वादू थोड़ा ना हो गया, कोई जादू नहीं है भाई, आपको पहले से आता, आपने मे से आप सेंटेंसेस को शुरू करते आ रहे हैं, कर लीजिएगा सेंटेंस को शुरू। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, कैटरीना आपसे मिली है, कैटरीना एक दिन दो चार बातचीत हो गई, नंबर भी मिल गया आपको बाई चांस कैटरीना का, तो आप जाते जाते कैटरीना से पूछ लेते हैं क्या मैं तुम्हें कॉल कर लूं? ऐसा कुछ अगर आपको पूछना हो तो ऑब्वियसली कैटरीना है भाई, हिंदी में मत पूछिएगा, थोड़ा सा तो इम्प्रेशन थोड़ा सा तो झाड़ लीजिएगा, झाड़ते ही होंगे आप थोड़ी बहुत लाइनों से ही, पर सीख लीजिए ज़्यादा ज़्यादा लाइन सीख लीजिए। देखिएगा अगर आपको कहना हो कैटरीना को क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ तो कैसे बोलोगे, जल्दी जल्दी राइट डाउन करिए क्या क्या बोल सकते हैं आप। अभी आपने अभी सीखा है कि जब आप किसी से परमिशन मांगते हैं तो सेंटेंस को कहाँ से शुरू करते हैं। कैटरीना आप बोलेंगे कैटरीना यस ऑफ कोर्स, सही, सबका आंसर भी सही होगा, मे आई कॉल यू कैटरीना, या फिर कैटरीना मे आई कॉल यू, तो आप नॉर्मल है, बहुत सिंपल वर्ड है, आप मुझे बताइएगा कि आप जानते ही नहीं वर्ड्स को, जानते हैं पर आप कोशिश नहीं करते, बोल नहीं पाते। इसके साथ ही अगली स्लाइड आपके सामने, बताइएगा मुझे अगर आप, बारिश आ रही है बाहर और किसी के घर पर बैठे हैं, आप जा रहे थे और जाकर आपने कहा कि अरे यार बाहर तो बारिश आ गई, तो आप वापस से अंदर आते हैं और आप उससे पूछते हैं कि मैं जब तक बारिश नहीं रुकती यार क्या तब तक यहाँ वेट कर लूँ,
हमारे साथ दिन में एक घटना तो जरूर हो जाती है, कहीं गए तो आपका कुछ काम नहीं, बस नहीं आया, ड्राइवर नहीं आए, कि यार मैं तब तक यहाँ वेट कर लूँ? बोलते हो अरे इंग्लिश में बोलना है सेंटेंस को, कैसे बोलोगे जब आपको बोलना हो क्या मैं तब तक यहाँ पर वेट कर लूँ? कैसे बोलोगे? अरे सब ट्राई करेंगे भाई, अगर कोशिश नहीं करेंगे, मैंने क्लास की क्लास स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया है कि आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा, फेस तो करना पड़ेगा, आपके दिमाग में रहना चाहिए लेट्स फेस इट। तुरंत हिंदी में मत बोलिए, इंग्लिश में बोलिएगा, और आप में से बहुत सारे बच्चे ठीक आंसर भी दे पा रहे होंगे डेफिनेटली, और आप बोलेंगे मे आई वेट हेयर अनटिल देन, क्या दिक्कत है आप, मैं वेट कर लूँ कब तक? तब तक जो भी सेंटेंस हो सकता है, मे बी बारिश के रुकने का इंतज़ार हो, मे बी बस के आने का इंतज़ार हो, मे बी ड्राइवर के आने की वेटिंग हो, कोई भी वेट हो सकता है, किसी भी सेंसेस में तो आप बोलते हैं मे आई वेट। भाई कितनी सिंपल बात है, सारा दिन घर में पूछते हो कि खाना खा लूँ मैं, अब मैं अब सो जाऊँ, मैं अब पी लूँ, ये सारा दिन बोलते हो ना, तो कैसे शुरू करना है सेंटेंस मे आई, जैसे आप करते आए हो बचपन से, जैसे कहते हो मे आई कम इन, ऐसे ही जब आप किसी से पूछें या जब आप किसी से लेते हैं परमिशन, तो यूज या स्टार्ट द सेंटेंस विद मे आई, उसके बाद आप कुछ भी ऐड करिए, जो भी पूछा हो, अगर वेट पूछा है वेट करिए, स्लीप पूछा स्लीप, ड्रिंक है तो ड्रिंक, व्हाट एवर, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। बताइएगा परमिशन लेने के लिए कितना सिंपल सा थॉट आपके माइंड में जनरेट हो गया होगा। इसके बाद आगे मैं बात करूं एक सिंपल से फ्रेज के साथ जो आपको यूज होता होगा, होता तो नहीं होगा क्योंकि आज तक आपने अजय देवगन को कॉल लगाया नहीं है, बाय चांस आप लगा दें और आप बोलें क्या मैं अजय देवगन से बात कर सकता हूं, क्या मैं अजय देवगन से बात कर सकता हूं, इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? बाय चांस आपने कॉल लगा लिया किसी ने आगे से, कॉल उठा भी लिया, यस सर हाउ कैन आई हेल्प यू, तो उसके बाद आप क्या बोलेंगे? आप सोचेंगे अरे यार इसने तो इंग्लिश में पूछ लिया, अब मैं हिंदी में क्या बोलूँ, इसको क्या बोलूँ, तो क्या बोलेंगे? अभी तो कितना सिंपल पढ़ते आ रहे हैं, शुरू कीजिए ना, जब आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं तो शुरू कीजिए। कैसे बोलेंगे? मे आई स्पीक विद मिस्टर अजय देवगन, बहुत सिंपल है। क्या बोलने की इंग्लिश नहीं आती थी? आती थी। क्या परमिशन को नहीं जानते किस मॉडल से यूज किया जाता? मे से यूज कर सकते हैं या फिर कुड से आप यूज कर सकते थे। मैं आगे आप समझिएगा, मे आई स्पीक विद, बस इतना सा समझ में आया कि किसी पर्सन से बात करने के लिए आप कौन से प्रपोजिशन स्पीक के साथ लगाते हैं, विद, और ये आएगा कैसे? ये कोई जादू वादू नहीं है, ये आपके अंदर इनबिल्ट भी नहीं है। जब आप सेंटेंसेस को यूज करते हैं, जब सेंटेंसेस आपके सामने आ जाते हैं तो अपने आप आ जाता है, जैसे कि अभी आएगा नेक्स्ट स्लाइड में। आपसे अगर पूछा जाए कि सेंटेंस को इंग्लिश में, आपको अजय देवगन से बात नहीं करनी, आपको तो किससे बात करनी थी? काजोल से बात करनी थी, आप में से बहुत सारे लोगों से हो सकती है, तो वो कहते हैं क्या मैं काजोल से बात कर सकता हूँ, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए मैम यस मुझे इसका इंग्लिश आता है, मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ इस सेंटेंस को, कैसे बोलेंगे? और सब ट्राई करेंगे, सब अपने कमेंट बॉक्स में लिख भी दें मे आई, यस वेरी गुड, मे आई से सेंटेंस शुरू होगा, और बोलने के लिए आप यूज करेंगे स्पीक, वेरी गुड, किसी पर्सन के लिए यूज करेंगे तो विद, और पर्सन कौन है? काजोल है, मे आई स्पीक विद काजोल, मे आई स्पीक विद, लिखा है मिसेज काजोल, इट्स ओके अबाउट दैट, वो मिसेज है इसलिए लिख दिया, मे आई स्पीक विद मिसेज काजोल। तो बच्चे मैं छोटी सी बात आपको समझाना चाह रही थी कि आज के बाद जब भी आपको किसी से परमिशन या मे का यूज करना हो तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं, कुड का यहाँ पर यूज किया मैंने, बोला मे का भी यूज कर सकते हैं आप, कुड का यूज भी कर सकते हैं। तो आगे समझिएगा कुछ नॉर्मल फ्रेजेस और मैं आपको बताती हूँ जो आप यूज करते हैं, नॉर्मली यूज करते हैं, आपको इंग्लिश में कैसे कहना है वो हम अभी सीखेंगे। आप कहते हैं बहुत सारी बार यार जैसा तेरा मन करे कर ले, हिंदी में बोलते हो जैसे तेरा मन करे कर ले, जैसी आपकी मर्जी, जैसे आप खुश रहो, बोलते हो इंग्लिश में कैसे कहोगे? अगर आपको कहना हो किसी को जैसी आपकी मर्जी भाई कर ले जो तेरा मन कर रहा है, इंग्लिश में कहना हो तो बच्चे सिंपली कह दीजिएगा एज यू प्लीज, आप प्लीज का मतलब कृपया ना मानकर आप बोलेगा कि जिसकी जो इच्छा होती है, जैसे वो खुश रह सकता है उसकी मर्जी के लिए आप बोलते हैं एज यू प्लीज, बहुत सिंपल सेंटेंस है। एक डेली लाइफ में आप वर्ड यूज करते हैं,
माफ कीजिएगा, हर टाइम बोलते हो ना आई एम सॉरी या फिर सॉरी पार्डन मी, अ लॉट ऑफ टाइम यू यूज दिस वर्ड. अगर आपको इंग्लिश में कहना हो, आप कहीं पर देरी से पहुंचे, जो कि आप पहुंचते ही हैं, आप क्लास में, घर में, ऑफिस में, बहुत बार आपके साथ, ये डेली लाइफ का सेंटेंस है जो आप यूज करते हैं, माफ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई. रोज देर हो ही जाती है आपको, पर आप क्या इंग्लिश में इसे फॉर्म कर पाएंगे? आप हिंदी में मत बोलिएगा बॉस को जाकर कि सॉरी मुझे लेट हो गया, कोचिंग सेंटर आ रहे हैं तो मत बोलिए सर सॉरी थोड़ी देर हो गई, ऑफिस जा रहे हैं मत बोलिए थोड़ी देर हो गई, मम्मी से फोन करके मत बोलिए कि मुझे थोड़ी देर हो गई. इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस सेंटेंस को आप हर दिन, पूरे दिन में कई बार यूज कर लेते हैं. रोज का काम है आपका सॉरी बोलना और ये कहना यार थोड़ी देर हो गई. तो देर हो गई को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप लोगों ने अपने कमेंट सेक्शन में आंसर छोड़ दिया होगा, जो भी आपको आ रहा है बना लीजिएगा. भाई माफ कीजिए के लिए तो मैम सिंपल है, सॉरी बोलूंगा आई एम सॉरी. तो इसके बाद ये जो आगे लिखा है मुझे थोड़ी देर हो गई, आप बोलेंगे क्या? आई हैव गॉट अ बिट लेट. तो यहाँ से आपको सीखने को मिला, जब भी आपको थोड़े के लिए वर्ड बोले तो आप वर्ड लगा लीजिएगा. अभी कन्फ्यूजन यही हो रहा था ना कि थोड़ा लेट तो समझ रहे थे, लेट तो हम समझ रहे थे कि लेट बोलना है, पर लेट के साथ आपको लग रहा था कि देर तो समझ गया, पर थोड़ी देर के लिए क्या वर्ड यूज़ करूँगा? जहाँ पर भी थोड़ा थोड़ी, तो यहाँ पर आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन में. अ बिट लिखा, आई एम सॉरी आई हैव गॉट अ बिट लेट. मैं क्या हो गया हूँ? थोड़ा लेट हो गया हूँ. आई हैव गॉट अ बिट लेट. अ बिट मतलब थोड़ी देर हो गई. अगला सेंटेंस आपके सामने है, लिखा है बेशक. बोलते हैं ना बेशक, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं? क्या क्या बोलते हो आप? बेशक बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? जब आप हिंदी में तो बोल दिया आपने किसी भी बात के लिए, इंग्लिश में आप बोलते हैं बच्चे ऑफ कोर्स. और ये सेंटेंस आप, हो सकता है आप यूज भी करते हो ऑफ कोर्स, जब कोई चीज आप कहते हैं कि हाँ ठीक है ना यार ऐसा कर ले, ठीक है इट्स ओके, तो उस सेंसेस में आप बोल सकते हैं ऑफ कोर्स नाम का सेंटेंस. नेक्स्ट हमारे डेली लाइफ में वर्ड यूज होता है, आप जब भी कोई बढ़िया काम करता है तो आप कहते हैं अद्भुत. इतना बड़ा सेंटेंस आपको नजर आ रहा है, आपने तो यार कमाल ही कर दिया बोलते हो. किसी को बटरिंग करने के लिए भी बोल देते हो, यार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ऐसा बोलते ही हो कि यार तुम बहुत अच्छा कर रहे हो. किसी को मोटिवेट करने के लिए भी कहते हो. तो इंग्लिश में कुछ नहीं बोलना, जस्ट आई यूज अ सिंगल वर्ड हियर एंड दैट इज वंडरफुल. आप वर्ड बोले वंडरफुल, आपका काम हो जाएगा. जब आप किसी को कहते हैं कि यार तूने तो कमाल कर दिया, अद्भुत, तो इंग्लिश में जस्ट एक छोटा सा वर्ड बोलिएगा, देखिए क्या कितनी आसान है इंग्लिश. वंडरफुल कहने से आपका काम चल जाएगा, जब भी आप किसी को कहते हैं यार तू बहुत बढ़िया कर रहा है. अगला डेली लाइफ का फ्रेज आपके लिए यूज होता है जल्दी करो. अब जल्दी करो के लिए आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? जल्दी कर भाई, निकल यहाँ से, लेट हो रहे हैं, जल्दी कर. मम्मी खाना जल्दी करो, बना दो, लेट हो रहा हूँ, बस निकल जाएगी, जल्दी करो. क्या कहते हो आप इंग्लिश में? कहते हैं हरी अप. यही वर्ड यूज करते हैं एकदम से, हो सकता है जैसे मैंने पूछा तो दिमाग में नहीं आ रहा होगा, बट जैसे आपके सामने आया तो याद आ गया ना. अब इसका कारण ये है कि आप यूज नहीं करते. आप ये जल्दी करो वाला वर्ड ज्यादा अच्छा लगता है आपको, मुझे देर हो गई ये ज्यादा अच्छा लगता है आपको, माफ कीजिएगा ये ज्यादा ठीक लगता है आपको. आपको ये ठीक ही नहीं लगता, आप हरी अप वर्ड यूज नहीं करते. आपको लगता है कहीं यार दूसरे ही ना सोचे कि अंग्रेजी की टांग तोड़ रहा हूं. यस, बोल रहे हैं क्या बकवास है. कोई चीज आपको अच्छी लग सकती है तो खराब भी लग सकती है, तो आप बोलेंगे क्या बकवास है. जब चीज आपको पसंद नहीं आती तो आप इंग्लिश में इस सेंटेंस को कैसे कहते हैं? बकवास लग रहा है कुछ, तो इंग्लिश में बताइएगा मुझे कैसे बोलते हैं. इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे आप व्हाट नॉनसेंस. नॉर्मल सा वर्ड है, बोलते भी होंगे आप लोग, पर एकदम से माइंड में हो सकता है स्ट्राइक नहीं करो. स्ट्राइक होने का कारण यही है कि हम इंग्लिश को यूज ही नहीं करते डेली लाइफ में. नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है, हमें कोई बोलता है हाँ हाँ जरूर शादी में आ जाना, 14 तारीख को लड़के की शादी है पर जरूर आ जाना, आप टाइम से आ जाना, एक दिन पहले आ जाना. तो आपको बेशक जाना ना हो शादी में, बट आप ना सामने के सामने ना तो नहीं कहते, तो उनको तो यही कहते हैं हाँ हाँ जी जरूर आएंगे, ऐसे ही कहते हो हाँ हाँ जरूर. जब आपको किसी की हाँ में हाँ मिलाना और ऐसे ही बोलना हो हाँ हाँ जरूर, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अब आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं यस यस और जरूर, नेसेसरी नेसेसरी, ऐसा कुछ नहीं होता. फ्रेजेस बहुत, देखो इंग्लिश में अगर आपको मैं बोलूं
कम्युनिकेशन में या स्पोकन इंग्लिश अगर आपको सीखना है तो बच्चे आपको ध्यान देना है डेली लाइफ के फ्रेजेस पर। अगर आप किसी का आंसर हाँ हाँ जरूर में दे रहे हैं या फिर आप हाँ हाँ जरूर की जगह बोल रहे हैं यस बाय ऑल मींस, आप इंग्लिश में कहते हैं बच्चे इसे यस बाय ऑल मींस। आपसे मैं बोलूं कल आपकी रात को 9 बजे क्लास है, जरूर आना है, और आप मुझे कहते हैं हाँ मैम जरूर आएंगे, यस मैम जरूर आएंगे, आप हिंदी में तो कहते हैं, इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आज के बाद ट्राई करेगा जब भी मैं आपसे कहूं तो आपको क्या रिप्लाई करना है। इंग्लिश में आपका फ्रेज यूज होता है यस बाय ऑल मींस, मैं जरूर आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मैं आऊंगा, तो बोलेंगे यस बाय ऑल मींस ना। नेक्स्ट, आप कितना छोटा सा वर्ड है छी, बोलते हो कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, छी गंदी लग रही है, छी का मतलब कि बहुत बुरा लगना, बहुत ही गंदा। इंग्लिश में कहना हो तो कैसे बोलेंगे आप? छी तो कहते हैं हर टाइम, कह देते छींकने वाला छी नहीं है, छी का मतलब है छी गंदा, अच्छा नहीं लग रहा। तो आप इंग्लिश में सिंपली आप यूज करते हैं हाउ डिस्गस्टिंग, बोलते हो हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग आप इंग्लिश में बोलें हिंदी में बोलें सिमिलर मीनिंग है, छी की जगह हाउ डिस्गस्टिंग यूज करेंगे तो थोड़े पढ़े लिखे नजर आ सकते हैं ना। नेक्स्ट हमारे डेली लाइफ का सेंटेंस है, जब आप किसी से मिलते हैं तो आपका एक जनरल है, बहुत दिन से तुझे देखा नहीं, ऐसा बोलते हो। इंग्लिश में अगर बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? बहुत दिनों से आपने किसी को देखा नहीं, या फिर आप बात मिलाने के लिए ऐसे भी कह देते हो, थोड़ा बहुत मिला विला देते हो बात को, कि देखा भी हो चाहे 2 दिन पहले, यार बहुत दिन हो गए तेरे को देखा नहीं, तो क्या कहते हैं आप इंग्लिश में, क्या कहना है बहुत दिनों से तुझे देखा नहीं? बच्चे इंग्लिश में आपको कहना हो तो नॉर्मली बोलेगा लॉन्ग टाइम टू सी यू, भाई लंबा समय हो गया तुझे देखे बिना। अब ट्रांसलेट नहीं कर सकते आप, अब ट्रांसलेट पे मैं जाती तो बहुत लॉन्ग दिनों टाइम ओके चलो आप यू सी उल्टा उल्टा हो जाता, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। आपने फ्रेज यूज किया लॉन्ग टाइम टू सी यू, जस्ट कितना सिंपल सा सेंटेंस है। अगर आप किसी से मिलेंगे और बोलेंगे कि हेलो, आप उसके बाद यही कहते हैं ना कि बहुत टाइम से तुझे देखा नहीं, आप इंग्लिश में भी तो बोल सकते हैं लॉन्ग टाइम टू सी यू, कितना मुश्किल है, बोलो अभी, सुन रहे हो देख रहे हो लिख भी रहे हो, बोलो अभी, बोलोगे तो याद रहेगा। आगे से किसी से मिलेंगे हम यही बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे बहुत दिनों से तुझे देखा नहीं, बोलेंगे लॉन्ग टाइम टू सी यू, बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ती हूँ, आपके साथ या सबके साथ, दुनिया में सबके साथ, इंसान के साथ ये होता ही रहता है, और दूसरे लोग आपको सांत्वना संपत्ति देते हैं, भाई जो हो गया सो हो गया बोलते हैं। आप इंग्लिश में भी संपत्ति दूसरे को दे सकते हैं, कैसे कहेंगे कि जो हो गया सो हो गया, आप कुछ नहीं हो सकता, आप चेंज नहीं किया जा सकता, जो हो गया है सो हो गया है। आपको इंग्लिश में कहना है तो सेंटेंस आप लिखेंगे लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, इट्स अ इडियम आप कह लो, या फिर इसे फ्रेज कह लो कि जो हो गया सो हो गया, ये भी एक इडियमैटिक ही फॉर्म है। इंग्लिश में भी इसका इडियमैटिक एक्सप्रेशन ही आप यूज करेंगे और बोलेंगे लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया उसे जाने दो। ये फ्रेज आप जरूर याद रखें, आपको काम आ सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस में आप बोलेंगे, आप मुझे बताइए, आप इतनी देर से ट्राई कर रहे होंगे, जो देखो शिद्दत से बच्चे पढ़ने वाले हैं वो कमेंट बॉक्स में भी ट्राई करेंगे, अपने माइंड से भी ट्राई करेंगे कि यार इतना भी टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, क्या मुश्किल आपको आई? मैं आपसे पूछ रही हूँ, इंग्लिश इतनी भी मुश्किल नहीं है। अगर आपसे मैं यही सेंटेंस इंग्लिश में कहूँ कि इतनी भी मुश्किल नहीं है, अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो आप मुझे बताइए कैसे बोलोगे इतनी भी मुश्किल नहीं है, इतनी भी मुश्किल नहीं है? तो मैं यही कहना चाहती हूँ, इंग्लिश इज नॉट सो डिफिकल्ट, या फिर यहाँ पर इतनी कोई चीज़ के बारे में लिखा, कोई काम के बारे में लिखा है, तो वी कैन से डैट इट इज़ नॉट सो हार्ड, इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट, तो इंग्लिश इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा, आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। अगर मैं इसी सेंटेंस को आपसे पूछूं इंग्लिश में कि आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा, तो कैसे बोलेंगे? अब बोलना साथ बोलने के लिए तो अभी सिखा के आई हूँ अजय देवगन और काजोल वाले वर्ड, बच्चे जो यू रिमेम्बर कि हमने वर्ड यूज करे थे स्पीक विद, तो यही तो है कि आपको स्पीक विद करना पड़ेगा। बट भाई मैंने एक
यहाँ पर कंडीशन लगाई है, मैंने पहले बोला इंग्लिश इतने डिफिकल्ट नहीं है, इट्स नॉट सो हार्ड, तो फिर मैं बोल रही हूँ पर, बट आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू स्पीक विद मी, बोलना तो पड़ेगा, बट यू हैव टू, जब आप किसी चीज को कहते हैं बोलना पड़ेगा, पड़ेगा के लिए सिंपल सा बोलिए कि हैव टू, हैज टू, ये वर्ड आप यूज करते हैं जब आप कोई कंडीशन लगा देते हैं, बोलना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, तो हैव टू वर्ड कहता है किसी कंडीशनलाइज मतलब एम्फसाइज आप किसी चीज को कर दें, तो आपने बोला, मैं आपको कह रही हूं कि आप सीख तो जाएंगे और आपको मेरे साथ क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, पर आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा, बट यू हैव टू स्पीक विद मी, और बोलने से पहले, बोलना तो ठीक है मैंने आपको सेंटेंस दिया आप बोलने का ट्राई कर सकते हैं, पर बोलने से पहले इंग्लिश लैंग्वेज को सोचना ज़रूरी है, इंग्लिश में बोलना नहीं, इंग्लिश में पहले सोचना सीखिए, क्या आप इंग्लिश को इंग्लिश में जान पा रहे हैं, भाई जान तो पा रहे हैं, स्पीक माने स्पीक है, कोई पर्सन है पर्सन है, इट माने इट है, इस माने इज है, एम माने एम है, वोस माने वोस है, वर माने वर है, ड्रिंक माने ड्रिंक है, कोई फूड माने फूड है, मार्कर मीन्स मार्कर है, शर्ट मीन्स शर्ट है, आप क्यों इसको ट्रांसलेशन पे उतर जाते हैं, आपको इंग्लिश में ही चीजें देखकर उसको इंग्लिश में ही सोचना पड़ेगा, इंग्लिश बोलने से पहले इंग्लिश में सोचना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगी इंग्लिश में अगर मुझे बोलना हो, यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश बिफोर स्पीकिंग इंग्लिश, भाई पहले यू हैव टू, पढ़ेगा लीजिए लिए मैंने अभी वर्ड बोला ना कि पड़ेगा, जब आपको बोलना हो किसी चीज को एम्फसाइज करना, करना ही पड़ेगा, तो हैव टू तो आप यूज ही करेंगे, यू के साथ तो हैव टू ही होगा ऑब्वियसली, यू हैव टू व्हाट, थिंक इन इंग्लिश बिफोर, क्या किससे पहले, बिफोर स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट मैं आपसे बोलूं, यहां पर आप कर क्या रहे हैं, अभी आप वीडियो देख रहे होंगे, डेफिनेटली वीडियो देख रहे हैं, और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप यहाँ कर क्या रहे हैं, क्या करने आए हो, यहाँ पर क्यों देख रहे हो, आप ओशन गुरुकुल के चैनल पर कर क्या रहे हो, अगर मुझे आपसे इंग्लिश में पूछना हो यहाँ पर क्या करने आए हो, तो इंग्लिश में सिंपली क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी आपको व्हाई आर यू हियर, बहुत सिंपल है, मैंने पूछा व्हाई आर यू हियर, बस सिंपल है ना, आप फील करिए, आपको एग्जैक्टली ऐसा ही सोचना पड़ेगा, मैंने बोला इंग्लिश बोलने से पहले आपको भाई सोचना पड़ेगा, सिंपल बोलिए व्हाई आर यू हियर, आप आंसर भी लिख दीजिए ना कमेंट बॉक्स में, व्हाई आर यू हियर, मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछ रही हूँ, व्हाई आर यू हियर, तो आप, मैं वेट करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए कि व्हाई आर यू हियर, मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछ लिया है मैंने कि आप कर क्या रहे हैं, अब सिंपल सा आंसर आपका होगा, आपका आंसर आने वाला है नेक्स्ट कि मैं इंग्लिश सीखने आया हूँ, ऐसा ही तो है, इंग्लिश में बोलिएगा, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में बोलिएगा, कैसे बोलेंगे आप कि मैं इंग्लिश सीखने आया हूँ, सब अपना ट्राई करें कि क्या सिंपल है, आई तो मैं तो आई है, इंग्लिश तो इंग्लिश ही है, और हूँ यहाँ पर, ठीक है मैम, लर्न है, तो कुछ ना कुछ आप सेंटेंस को बना ही रहे हैं, और आप में से वेरी गुड बहुत सारे बच्चों ने बना भी दिया होगा, आई केम हियर टू लर्न इंग्लिश, मैं यहाँ पर इंग्लिश सीखने आया था, इंग्लिश सीख ही तो रहे हैं आप यहाँ पर, तो आप मुझे बताइएगा टफ कहाँ है, मुझे तो कुछ भी मुश्किल नहीं नजर आता, अब आप सोचेंगे कि मैम ये तो एक एक सेंटेंस है और वहाँ तो बहुत बहुत सारा बोलना पड़ता है, सामने वाला फटक 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 बोलता चला जाता है, बट ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि आप एकदम से 100% यूज़ करने लग जाएं इंग्लिश को, बच्चे ऐसा नहीं होता, सबसे पहले मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी आप 100% इंग्लिश एकदम से बोल सकते हैं, आप मिक्सिंग ट्राई करें, आप ट्राई करें कि जब आप 10 सेंटेंस यूज़ करते हैं तो कम से कम एक सेंटेंस तो इंग्लिश का यूज़ कर ही सकते हैं, आप सारा दिन बोलते हो आप, ठीक है हिंदी में बोलते हैं, पर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस या छोटे छोटे वर्ड, क्या ये सॉरी, प्लीज, ऑफ कोर्स, क्या ये सब भी आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते, इस चीज़ को खराब कहना हो, कितना सिंपल वर्ड सीखा हमने, ये डिस्गस्टिंग नहीं बोल सकते, खराब कह रहे, नॉनसेंस नहीं बोल सकते, लेट हो गया, क्यों नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं, आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं, क्यों नहीं बोल सकते, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस ऐसे ऐसे सिखाती चली जाऊंगी, और 30 दिन, ओनली 30 डेज, अगर आप जितने पढ़ाएं उन सेंटेंसेस को भी सिर्फ सुने नहीं, लिसनिंग के बाद बच्चा दूसरा काम करता है स्पीकिंग का,
पहले वो सुनता है, आप मेरी सुनिए, उसके बाद उन्हें यूज करिए। अगर यूज करने की ठान लोगे तो इंग्लिश आ जाएगी। और मैं नहीं कहती आने के बाद छोड़ दो, मत बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपनी ऐसा अपने आप को ना कमज़ोर फील मत करो कि आती नहीं है यार, ये वाली प्रॉब्लम है। ये सीरीज़ आपके लिए मैं कंटिन्यू रखूँगी, अगर आप चाहेंगे तो 30 डेज में आप कुछ सेंटेंसेस ऐसे याद कर लें या ऐसे समझ लें, बोलते बोलते सीख जाएं कि आपको कोई ये ना कह सके कि यार ये स्पोकन में वीक है बच्चा, ठीक है। तो आप मुझे बता दीजिएगा, सेशन को कंटिन्यू रखें, और क्या आप मेरे साथ सिर्फ 30 दिन ट्राई करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग को? बोल सकते हैं आप, इन सभी को आपने कॉपी में ऑब्वियसली लिखा होगा। अब इन सारे सेंटेंसेस को जो आज मैंने सिखाए, ये डेली लाइफ के सेंटेंस हैं, इनको आप यूज़ करना सीखें, ठीक है। चलिए तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, सब मुस्कुराते रहें और हंसते रहें और खुशी खुशी से, कुछ सीखना है ना, लर्निंग ऐसे नहीं हो सकती कि आप मुंह बना के सैड होकर डिप्रेस्ड होकर, नहीं, लर्निंग मुस्कुराकर ही हो सकती है। और आप सब मुस्कुराएं। गुड नाइट।